सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 में आखिरकार भारतीय टीम के मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 का 8वां मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में साउथैम्पटन में खेला गया। साथ ही इस मुकाबले की शुरुआत में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने कुछ इसी तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम को इस मुकाबले में 228 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य दिया, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम की सलामी जोड़ी यानी कि शिखर धवन व रोहित शर्मा की जोड़ी को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। शिखर धवन अपनी पारी में महज 8 रन लगाकर आउट हो गए तो वहीं उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली भी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। दोस्तों कोहली का बल्ला आज भी इस मुकाबले में शांत रहा और वह अपनी पारी में 18 रन लगाकर ही पवेलियन की तरफ चल दिए थे। हालांकि इस दौरान मैदान में रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा समझदारी से बल्लेबाजी करी। उन्होंने न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा करा बल्कि एक छोर से भारतीय टीम के लिए लगातार रन बनाते रहे। दूसरी तरफ केएल राहुल ने भी उनका जमकर साथ दिया। ताकि दोस्तों फिर आगे चलकर मैदान में केएल राहुल तो अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन आज रोहित शर्मा ने जो कर दिया उसे इतिहास में याद रखा जाएगा। आपको बता दें कि केएल राहुल के आउट होने के बाद तो रोहित शर्मा और ज्यादा सक्रिय होकर बल्लेबाजी करने लगे, साथ ही उनको महेंद्र सिंह धोनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी का साथ जो मिल गया था। रोहित शर्मा ने अपना बल्लेबाजी में गियर बदला और काफी तेजी से अपने शतक की ओर चलते चले गए। इसके बाद आगे चलकर रोहित शर्मा ने महज 128 गेंदों का सामना करके अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा के शानदार शतक के बाद क्रीज पर उनका साथ दे रहे महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए, जिसके बाद धोनी की यह छोटी व तूफानी पारी तो 34 रनों पर समाप्त होकर रह गई। लेकिन अब मैदान पर तूफान मचाने के लिए आ चुके थे हार्दिक पांड्या। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने कब में कब इस मुकाबले को अंतिम पलों में खत्म कर दिया किसी को पता ही नहीं चला। आपको बता दें कि पांड्या ने 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मैच 7 गेंदों में 15 रन जड़कर अपनी टीम को विजयी बना दिया 6 विकेट के अंतर से। लेकिन तारीफ तो करनी होगी रोहित शर्मा की, क्योंकि उन्होंने 144 गेंदों में 122 रनों की तूफानी पारी व मैच जिताऊ पारी जो खेली। परंतु भारतीय टीम की असली जीत तो रही महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की जानदार पार्टनरशिप की वजह से। दोस्तों रोहित और धोनी की इसी शानदार पार्टनरशिप को आप 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस शतक में रोहित शर्मा ने 2 छक्के तो वहीं 10 जोरदार चौके भी जड़े थे। साथ ही आपको यह बात जानकर भी काफी ज्यादा हैरानी होगी कि अब रोहित शर्मा ने सौरव गांगुली को पछाड़ दिया है ओडीआई में शतक लगाने के मामले में। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ऐसे तीसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने भारतीय टीम की तरफ से ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। वर्ल्ड कप 2019 में रोहित शर्मा का यह 23वां ओडीआई शतक है, जिसके बाद सारा विश्व ही रोहित शर्मा के नाम से गूंज उठा और हर जगह उनकी तारीफ भी की जा रही है। दोस्तों प्रैक्टिस मुकाबले में फ्लॉप हुए रोहित शर्मा पर कहीं ना कहीं आलोचक उंगली उठाने लगे थे, लेकिन अब एक पहले भारतीय ने 2019 में शतक जड़ दिया है और वह थे रोहित शर्मा। साथ ही रोहित शर्मा ने शतकीय पारी से न सिर्फ अपने आलोचकों को कड़ा जवाब दिया है बल्कि सबको यह भी बता दिया है कि वह भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताकर ही लौटेंगे। दोस्तों आप रोहित शर्मा की मुश्किल समय में इस शतकीय पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।